डीसीपी टास्क फोर्स जीएचएमसी फूड सेफ्टी अफसरान टेलीफोन डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ बशीर बाग हैदराबाद में मुनाक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। स्वात विज जोन से ताल्लुक डीएफ पुलिस और जीएचएमसी के अहदेदारों ने हैदराबाद के आम की दुकान पर छापा मारकर 4,50,000 रुपये मालियत के पके हुए आम जब्त किए और एक शख्स को पकड़ लिया। और एक दूसरे मामले में साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने संतोष नगर पुलिस और टेलीफोन महकमे के अहलकारों ने बैनुल अक्वामी टेलीफोन एक्सचेंज को गैर कानूनी तौर पर चलाने के इल्ज़ाम में दो अफराद को गिरफ्तार किया। जो अपना हैदराबाद में जो फ्रूट्स अपन बिक जा रहे बिकने को आ रहे जो आम जो पका रहे वो लोग कुछ केमिकल डाल के पका रहे, वो प्रोहिबिटेड केमिकल डाल के पका रहे, उसके वजह से ऑन इंफॉर्मेशन हम लोग थोड़े जगह राइड्स मार के आज कम से कम एक 20 लाख का वर्थ मैंगोस को सीज करके उसके बाद में अपन ये जो सीज्ड मटेरियल को डिस्ट्रक्शन करने के लिए एफएसएस वाले दिए और वो लोगों को आगे नुकसान नहीं होना, जो व्यापारी को नुकसान होना वो लोगों को एडुकेट करने का वास्ते वो लोगों को आज बुलाया, जो कितना क्वांटिटी में यूज़ करना, कैसा यूज़ करना ये फ्रूट को अच्छा पकाने के वास्ते, तो उसके बारे में पूरा वो लोगों को जानकारी दिए। अगर वो फॉलो नहीं करे, अगर उसके रूल्स को ब्रेक करे तो क्या कैसे लीगल प्रोविजंस उनके ऊपर अट्रैक्ट होता और पब्लिक का हेल्थ भी कैसा वो लोगों को नुकसान होता, वो सिलसिले में पूरा वो लोगों को जानकारी दिया और आइंदा से अगर वो लोग ये लीगल तरीक़ा से करने के लिए हमारे को आश्वासन दिए और अगर वो लोग लीगली नहीं करे तो उनके ऊपर हम लोग एक्शन तो बराबर लेंगे। थैंक यू।